नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए जानते हैं आज हम सभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। टमाटर का ऐसे करें प्रयोग, घटेगा कोलेस्ट्रॉल और दूर होगा दिल की बीमारियों का खतरा। यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए। टमाटर एक ऐसा फल है जो लगभग हर घर में और हर मौसम में प्रयोग होता है। सलाद, सब्जी, चटनी, सॉस इत्यादि न जाने कितने फूड आइटम्स हैं जिनका स्वाद बिना टमाटर के बेमजा है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, लाइकोपीन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर की खूबी यह है कि गर्म करने के बाद भी इसके विटामिन समाप्त नहीं होते हैं। यह शरीर में खून की कमी को दूर करके शरीर को पुष्ट, सुडोल और फुर्तीला रोज खाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि टमाटर आपके दिल के लिए कितना फायदेमंद है? जी हाँ, टमाटर खाने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और दिल की बीमारियों से आपका बचाव होता है। दिल की बीमारियों का कारण है कोलेस्ट्रॉल। टमाटर रक्त वाहिनियों में थक्का जमने से रोकता है। इससे हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात एवं स्ट्रोक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रक्त वाहिनियों में बनने वाला खून का थक्का रक्त के बहाव में रुकावट पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा होता है। एस्पिरिन की अपेक्षा टमाटर के बीजों का रस इन बीमारियों की रोकथाम में ज़्यादा कारगर साबित होता है। क्यों जमता है रक्त का थक्का? जी हाँ, धूम्रपान, खून में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर और तनाव के कारण प्लेटलेट्स के आकार में ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी वजह से थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है। एस्पिरिन थक्का जमने के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती है, लेकिन टमाटर के बीजों का रस थक्का जमने की प्रक्रिया को एस्पिरिन के मुकाबले ज़्यादा धीमी करती है। टमाटर में होती है बहुत ही कम कैलोरी। जी हाँ, टमाटर में लो कैलोरी फूड है, इसीलिए इसके खाने से आपका वजन घटता है। टमाटर वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आप वजन कम करने के लिए आहार और व्यायाम की योजना पर हैं तो आपको रोज़मर्रा के भोजन में टमाटर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। टमाटर में ढेर सारा पानी और फाइबर होता है, इसीलिए इसे वजन नियंत्रण करने वाला फिलिंग फूड कहते हैं। यह वो आहार है जो जल्दी पेट भरता है, वो भी बिना कैलोरी या आपका फैट बढ़ाए हुए। टमाटर में होता है लाइकोपीन। यह एक प्रकार का क्वेंचर है जो ऑक्सीजन को त्वचा में जज्ब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह त्वचा को किसी प्रकार की हानि से बचाता है और पर्याप्त पोषण भी देता है। टमाटर में लाइकोपीन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए इसे खाने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। लाइकोपीन अन्य कैरोटीनॉइड्स से भी अधिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। त्वचा को झुर्रियों से बचाता है, गर्भाशय के विकार को दूर करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइकोपीन ऑस्टियोपोरोसिस से भी आपको बचाता है। लाइकोपीन हमें फेफड़े, स्तन, ओवरी, गर्भाशय, प्रोस्टेट, त्वचा, पेनक्रियास और अमाशय कैंसर से बचाव करता है। हृदय की धमनियों में जमा होने के पहले कोलेस्ट्रॉल का मुक्त मूलक द्वारा ऑक्साइड होना जरूरी होता है। लाइकोपीन शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है। इस तरह से लाइकोपीन हृदय संबंधी बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। पेट की कीड़ों से भी रक्षा करता है टमाटर। त्वचा को लालिमा प्रदान करता है टमाटर। तो है ना आप सभी के लिए बहुत ही गुणकारी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।